हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और डेफिनेशंस की एरे के लिए। जैसे डिफाइनिंग एन एरे तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और एग्जांपल लेके कि एरेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी टेक ऑटोमेटिक एरेज। तो देखिए, ऑटोमेटिक एरे में क्या होता है कि ऑटोमेटिक एरे में आप उसको इनिशलाइज नहीं कर सकते ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की तरह। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑटोमेटिक एरे कैन नॉट बी इनिशलाइज ऑटोमेटिक एरेज कैन नॉट बी इनिशलाइज्ड। अगर आपको मान लीजिए किसी एरे को इनिशलाइज करना है, उसको पहले से डिक्लेरेशन के टाइम ही उसमें वैल्यू आपको देनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सटर्नल या स्टैटिक एरे उसको डिफाइन करना होगा। मींस एक्सटर्नल एंड स्टैटिक एरे डेफिनेशंस कैन इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यूज इफ डिजायर्ड। द इनिशियल वैल्यूज मस्ट अपियर इन द ऑर्डर इन विच दे विल बी असाइन टू द इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स एनक्लोज इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाई कॉमास। मतलब कि अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो जनरल फॉर्म इसका सिंपली ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम स्टोरेज क्लास डिफाइन करेंगे। ये हो गया हमारा स्टोरेज क्लास। उसके बाद फिर हम डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप हो गया। उसके बाद फिर हम एरे का नाम लिखेंगे। ये एरे का नाम हो गया। और यहाँ पे हमें जो भी एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, वो हम एक्सप्रेशन यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेसेस में वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे वैल्यू 1, ठीक है, फिर कॉमा लगाया हमने, वैल्यू 2, फिर कॉमा लगाया। ऐसे जितनी वैल्यू हमको देनी है वो कॉमा से सेपरेट करते हुए हम एरे को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे वैल्यू 1 रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट, वैल्यू 2 रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेकेंड एरे एलिमेंट एंड सो ऑन। द अपीयरेंस ऑफ द एक्सप्रेशन विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स इज ऑप्शनल व्हेन इनिशियल वैल्यूज आर प्रेजेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आपने लिखा है, जो ये बताता है कि एरे में हमारे कितने एलिमेंट हैं, ये ऑप्शनल है। इसको आप चाहे तो दें और चाहे तो नहीं दें, न दें अगर आप उसको इनिशियल वैल्यू आप लिख दे रहे हैं तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हमने कोई एरे डिफाइन किया, हमने कहा इंटीजर और एरे का नाम रखा हमने डिजिट्स, ठीक है, और उसके अंदर हमने कहा कि देर आर 10 एलिमेंट, ठीक है। अब इसको जब हमें इनिशलाइज करना होगा तो ऐसे हम ब्रेसेस लगा के और यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा लगा के हम जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज हमको देनी है एरे एलिमेंट्स को वो हम देते जा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया एरे को इनिशलाइज करने का। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपने इसको डिफाइन किया स्टैटिक, ठीक है, और फिर आपने लिखा फ्लोट और x 6, यानी x नाम की एरे है, उसमें 6 एलिमेंट हैं और एलिमेंट्स डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हम वैल्यूज देंगे, मान लीजिए हमने दिया 0, फिर हमने दिया से 0.25, फिर हमने दिया 0, फिर माइनस का 0.50, फिर 0 और फिर 0, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे को वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए करेक्टर टाइप एरे है हमारी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक्स स्टैटिक एरे है। अब हमने कहा कोई करेक्टर टाइप हमने एरे डिफाइन किया, तो हमने लिखा करेक्टर और एरे का नाम लिखा हमने कलर, और कलर में इसमें हमने कहा 3 एलिमेंट है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने सिंगल कोट्स में लिखा आर, ये पहला एलिमेंट हो गया, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा ई, फिर हमने कॉमा लगाया और फिर हमने लिखा डी। तो आर ई और डी ये 3 एलिमेंट हो गए कलर नाम की एरे के, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स क्या है, एक्स इज ए स्टैटिक एरे है, और बाकी जो दो एरे हैं डिजिट्स और कलर,
ये दोनों क्या है, दे आर अज्यूम टू बी एक्सटर्नल एरेज बाय वर्च्यू ऑफ दियर प्लेसमेंट विद इन द प्रोग्राम। तो इन दोनों एरे को हम एक्सटर्नल एरे ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि डिपेंड ये करता है कि प्रोग्राम में ये कहाँ पे इसको हमने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एरे डेफिनेशन, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ऑल इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स दैट आर नॉट असाइंड एक्सप्लिसिट इनिशियल वैल्यूज विल ऑटोमेटिकली बी सेट टू जीरो। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को आपने इनिशियल वैल्यू नहीं एक्सप्लिसिटली असाइन की है तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए, मतलब दैट वैल्यू विल ऑटोमेटिकली सेट टू जीरो। दिस इंक्लूड्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन विच सम एलिमेंट्स हैव बीन असाइंड नॉन जीरो वैल्यू। मतलब क्या हुआ, अब ये आप दूसरी एग्जाम्पल लीजिए। दूसरी एग्जाम्पल में इसने दिया हुआ है कि सपोज कीजिए एक एरे दिया हुआ है इंटीजर और यहाँ दिया है डिजिट्स, डिजिट्स के नाम की ये एरे है और इसमें दिया है 10 एलिमेंट्स हैं एरे में और आपने वैल्यू जो असाइन की है, वैल्यू आपने असाइन की केवल 3, 3, 3 इस तरह, ठीक है। या दूसरी एरे आपने डिफाइन किया है स्टैटिक, फ्लोट x6, ठीक, और इसमें वैल्यू आपने असाइन की है माइनस का 0.3, 0, 0.25, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देखिए 10 वैल्यू डिफाइन करनी थी और कितनी हमने डिफाइन की है, केवल 3, तो पहले 3 एलिमेंट तो ये हो जाएंगे 3, 3, 3 और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कहा डिजिट्स 0 तो वो तो हो गया 3, फिर आपने कहा डिजिट्स 1 वो भी हो जाएगा 3, डिजिट्स 2 ये भी हो जाएगा 3, ठीक। लेकिन इसके बाद डिजिट्स 3, डिजिट्स 4, डिजिट्स 5 अप टू 9 तक, यानी डिजिट्स 3 से जब आप लेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आपने असाइन की नहीं है डिजिट्स 3 के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। डिजिट्स 4 ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका डिजिट्स 9 तक जो है, ये ऐसे ही आप लेते आएंगे तो डिजिट्स 9 ये भी 0 ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरे एरे में आप देखिए एक्स वाले में, तो एक्स 0 क्या है, माइनस का 0.3, ठीक है। फिर एक्स 1 ये है 0, एक्स 2 ये है 0.25 और बाकी जो बचे आपके 0.25, ठीक। x यहाँ पे हमने 0.25 इस जगह लिख दिया है, इसको ये हुआ x2। फिर x3 क्या हो जाएगा, x3 अपने आप 0 वैल्यू ले लेगा, x4 अपने आप 0 वैल्यू ले लेगा और x5 ये भी अपने आप 0 वैल्यू ले लेगा। तो यही चीज़ हमने आपको ऊपर समझाई है कि अगर आपने एरे को वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है तो दैट वैल्यू भी ऑटोमेटिकली सेट टू 0। इसमें देखिए आप, इन ईच केस ऑल ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली सेट टू 0 एक्सेप्ट दोज दैट हैव बीन एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज विद इन द एरे डेफिनेशंस, ठीक है। इसमें जो रिपीटेड वैल्यूज है आपकी 3, 3, 3 वो भी आपका, जैसे यहाँ पे आपने 3, 3, 3 डिफाइन किया हुआ है तो वो इंडिविजुअली यहाँ पे 3, 3, 3 शो कर रहा है। द एरे साइज नीड नॉट बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली व्हेन इनिशियल वैल्यूज आर इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ एन एरे डेफिनेशन विद अ न्यूमरिक एरे द एरे साइज विल ऑटोमेटिकली बी सेट इक्वल टू द नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यूज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन। मतलब अब इसे क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल आप लीजिए, मान लीजिए आपने कोई एरे डिफाइन की इंटीजर और एरे का नाम रखा आपने डिजिट्स, ठीक है, और इसकी साइज आपने यहाँ पे नहीं डिफाइन की है और वैल्यूज जो इसको यहाँ पे दिया हुआ आपने, ये मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यूज आपने असाइन की हुई है एरे को, ठीक है। तो
अब इसमें क्या होगा कि द डिजिट्स विल बी ए सिक्स एलिमेंट इंटीजर अरे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ये एक्स जीरो एक्स वन सॉरी डिजिट जीरो डिजिट वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट फाइव ये ऐसे शो हो जाएगा, यानी कि इसमें डिजिट्स जीरो ये क्या हो जाएगा वन, डिजिट्स वन हो जाएगा तुम्हारा टू, डिजिट्स टू हो जाएगा थ्री, डिजिट्स थ्री हो जाएगा फोर, डिजिट्स फोर हो जाएगा फाइव और डिजिट्स फाइव हो जाएगा सिक्स। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे असाइन हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि से स्टैटिक फ्लोट एक्स और एक्स में हमने साइज नहीं डिफाइन किया और इज इक्वल टू हमने इसको वैल्यू असाइन की है जीरो कॉमा 0.25 कॉमा जीरो कॉमा माइनस का 0.5, ठीक। तो इसका मतलब कि एक्स जो है आपका दैट एक्स इज ए स्टैटिक एंड फोर एलिमेंट फ्लोटिंग पॉइंट एरे। तो एक्स क्या है स्टैटिक है और फोर एलिमेंट की फ्लोटिंग पॉइंट एरे है। मतलब क्या हुआ कि एक्स जीरो कितना हो जाएगा जीरो, एक्स वन हो जाएगा 0.25, एक्स टू हो जाएगा आपका जीरो और एक्स थ्री हो जाएगा आपका माइनस का 0.5, ठीक है। तो इस तरह से आप एरे को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग्स होता है या इसको स्ट्रिंग्स को आप क्या बोल सकते हैं कैरेक्टर एरे, ठीक है, कैरेक्टर एरेज। तो कैरेक्टर एरेज को हम डिफरेंटली हैंडल करते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर क्या होता है व्हेन ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज असाइंड टू एन एक्सटर्नल और ए स्टैटिक कैरेक्टर अरे एज ए पार्ट ऑफ द एरे डेफिनेशन द एरे साइज स्पेसिफिकेशन इज यूजुअली ओमिटेड, द प्रॉपर एरे साइज विल बी असाइंड ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड दिस विल इंक्लूड ए प्रोविजन फॉर द नल कैरेक्टर स्लैश जीरो विच इज ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें जो नल कैरेक्टर होता है हर स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली एड हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने कहा कि दो कैरेक्टर एरे लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया दो कैरेक्टर एरे लिया हमने, एक डिफाइन किया कैरेक्टर कलर, यहाँ हमने लिखा थ्री, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया आर ई डी इस तरह, ठीक। और दूसरा हमने डिफाइन किया वो हमने लिखा करेक्टर और यहाँ हमने लिखा कलर, यहाँ हमने साइज नहीं स्पेसिफाई किया और यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिख दिया आर ई डी इस तरह लिख दिया। अब इसमें क्या होगा कि द रिजल्ट ऑफ दीज इनिशियल असाइनमेंट आर नॉट द सेम बिकॉज ऑफ द नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है स्ट्रिंग में, नल कैरेक्टर का मतलब हुआ स्लैश जीरो, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। नल कैरेक्टर क्या होता है स्लैश जीरो विच इज ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, यानी इस स्ट्रिंग के एंड में ऑटोमेटिकली स्लैश जीरो आ जाएगा। तो द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट अरे, अगर हम फर्स्ट अरे की बात करें यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट अरे के जो एलिमेंट होंगे वो तो होंगे जैसे कलर जीरो, ये क्या हो गया आर, कलर वन ये हो गया ई, कलर टू ये हो गया डी, ठीक है। वेयर एज द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड एरे आर, अब सेकेंड एरे की जब हम बात करेंगे तो सेकेंड एरे में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे देखिए कलर जीरो तो हो जाएगा आर, फिर आपने कहा कलर वन हो जाएगा ई, फिर आपने लिखा कलर टू हो जाएगा डी और कलर थ्री जो चौथा एलिमेंट है कलर थ्री
दैट विल बी स्लैश जीरो। तो ये डिफरेंस होगा इसमें और इसमें, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने साइज डिफाइन कर दिया है तो तीन एलिमेंट ये हो गए आर ई और डी। यहाँ पे जब आप साइज नहीं डिफाइन करेंगे तो स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। इसीलिए जो फर्स्ट फॉर्म है स्ट्रिंग को डिफाइन करने की, ये वाली, ये इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस फॉर्म इज इनकरेक्ट सिंस द नल कैरेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द एरे। द एरे डेफिनेशन कुड ऑल्सो हैव बीन रिटन एज, अगर आपको एरे डेफिनेशन और साइज दे के ही लिखनी है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कैरेक्टर, फिर आपको लिखना पड़ेगा मान लीजिए एरे का नाम कलर, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चार एलिमेंट, ठीक है। जब आप चार एलिमेंट आप लिखोगे तब अगर आप इसको इस तरह देते हो आर ई डी तो ये सही है, क्योंकि तीन एलिमेंट तो आर ई और डी हो जाएगा और चौथा एलिमेंट जो है वो स्लैश जीरो हो जाएगा, ठीक। ये डेफिनेशन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको साइज स्पेसिफायर देना है तो फिर अगर स्ट्रिंग यूज करना है तो आप साइज स्क्वायर इस तरह दीजिए और तब आप स्ट्रिंग लिखिए, और या तो फिर आप साइज स्पेसिफायर यहाँ मत स्पेसिफाई कीजिए तब आप यहाँ पे स्ट्रिंग दीजिए। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप इसमें से पिक कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आगे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इफ़ ए प्रोग्राम रिक्वायर्स ए वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन इज रिटन इन द सेम मैनर एज द एरे डेफिनेशन विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब अगर किसी प्रोग्राम में वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर को, तो एरे को हम उसी तरह डिक्लेयर करते हैं जिस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी ध्यान रखते हैं। पहला क्या कि द स्क्वायर ब्रैकेट्स मे बी एम्प्टी सिंस द एरे साइज विल हैव बीन स्पेसिफाइड एज ए पार्ट ऑफ द एरे डेफिनेशन, एरे डिक्लेरेशन आर कस्टमरली रिटेन इन दिस फॉर्म, ठीक। और दूसरा रूल क्या है कि इनिशियल वैल्यूज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन। तो मतलब अगर आप वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो डेफिनेशन की तरह ही आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। केवल दो एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो ये कि द स्क्वायर ब्रैकेट मे बी एम्प्टी सिंस द एरे साइज विल हैव बीन स्पेसिफाइड एज ए पार्ट ऑफ द एरे डेफिनेशन। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दीजिए क्योंकि एरे का जो साइज होगा वो डेफिनेशन में डिफाइन किया जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम एरे के साइज को डिफाइन नहीं करते हैं डिक्लेरेशन में। और दूसरा क्या है, इनिशियल वैल्यूज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन, इनिशियल वैल्यू को भी डिक्लेरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये दो एक्सेप्शन आप ध्यान रख के तब आप एरे को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर हम मल्टीफाइल प्रोग्राम में बात करें तो मान लीजिए एक टू फाइल सी प्रोग्राम है दैट मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एरे। मान लीजिए हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि राइट ए टू फाइल सी प्रोग्राम, ठीक है, दैट मेक्स यूज ऑफ एक्सटर्नल एरेज, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लिखा फर्स्ट फाइल में हम क्या करेंगे पहले हम एरे को डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा इंटीजर सी, यहाँ पे हमने साइज नहीं डिफाइन किया, यहाँ हमने वैल्यूज दी 1, 2, 3 इस तरह से। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल एरे डेफिनेशन, एरे डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद
दूसरी एरे हमने डिफाइन किया, हमने कहा कि करेक्टर मैसेज, करेक्टर मैसेज, यहां हमने साइज नहीं डिफाइन किया, यहां हमने लिख दिया हेलो, ये हमने दिया एच ई डबल एल ओ हेलो, ठीक है। ये क्या है, ये भी आपका एक्सटर्नल एरे डेफिनेशन हो गया, ठीक। तीसरा क्या है, अब हमने लिखा यहां पे एक्सटर्न वॉइड, कोई फंक्शन हमने लिया, फंक्शन का नाम रख दिया हमने फंक वन, और यहां हमने लिख दिया वॉइड। ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमको मेन फंक्शन स्टार्ट करके जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो यहाँ हम लिख देंगे और यहाँ मेन फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट फाइल में। अब सेकंड फाइल में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सेकंड फाइल में हम लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लिखते हैं सेकंड फाइल, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, एक्सटर्न इंटीजर सी, यहां हमने लिखा एक्सटर्न इंटीजर सी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक्सटर्नल एरे डिक्लेरेशन हो गया, यहां पे एक्सटर्नल एरे डिक्लेरेशन, ठीक। फिर हमने कहा एक्सटर्नल एक्सटर्न कैरेक्टर, और फिर हमने कहा मैसेज एम ई डबल एस ए जी ई मैसेज, ठीक है। ये भी हो गया आपका एक्सटर्नल एरे डिक्लेरेशन, तो ये लाइन भी आपका एक्सटर्नल एरे डिक्लेरेशन, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जो फंक्शन हमने ऊपर प्रोटोटाइप जिसका दिया था वो हम यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बना के इसको पूरा एक्सटर्न वॉइड, फिर हमने लिखा फंक वन, फंक वन, फिर हमने लिखा वॉइड, और यहाँ पे जो भी फंक्शन की बॉडी है जो भी प्रोसेसिंग कर वो स्टेटमेंट्स हमने दे दिए, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई। अब इसमें क्या होगा, देखिए कि दिस प्रोग्राम आउटलाइन इंक्लूड्स टू एक्सटर्नल एरेज सी एंड मैसेज, ठीक है। द फर्स्ट एरे सी इज ए थ्री एलिमेंट इंटीजर एरे दैट इज डिफाइंड एंड इनिशियलाइज इन द फर्स्ट फाइल। द सेकेंड एरे मैसेज इज ए करेक्टर एरे दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एंड इनिशियलाइज इन द फर्स्ट फाइल। द एरेज आर देन डिक्लेयर्ड इन द सेकेंड फाइल, मतलब इनको डिफाइन तो किया फर्स्ट फाइल में और फिर एरे को डिक्लेयर किया है सेकेंड फाइल में। बिकॉज दे आर ग्लोबल एरेज दे मस्ट बी रिकग्नाइज थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम, मतलब उनको डिफाइन किया फर्स्ट फाइल में और डिक्लेयर किया सेकेंड फाइल में। तो एक तरह से ये दोनों जो है ग्लोबल एरे हो गई, और जब ग्लोबल एरे हो गई तो इनको थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये रिकग्नाइज की जाएंगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि नाइदर द एरे डेफिनेशन इन द फर्स्ट फाइल नॉर द एरे डिक्लेरेशन इन द सेकेंड फाइल इंक्लूड एक्सप्लिसिट साइज स्पेसिफिकेशन, सच साइज स्पेसिफिकेशन आर परमिसिबल इन द फर्स्ट फाइल बट आर ओमिटेड बिकॉज ऑफ द इनिशियलाइजेशन। मोर ओवर एरे साइज स्पेसिफिकेशन सर्व नो यूजफुल पर्पज विद इन द सेकेंड फाइल सिंस द एरे साइजेस हैव ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड। तो इस तरह से जो आज जो हमने आपको डिफरेंट तरह से एरे को डिफाइन करना बताया कि कहाँ पे साइज डिफाइन करना जरूरी होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कहाँ पे आप कर सकते हैं और कहाँ पे आप नहीं कर सकते, और जहाँ पे कुछ जगह पे जहाँ पे आप एलिमेंट्स को नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जीरोज ले लेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके।
थैंक यू।